हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। गाइस, मेरा पतीला खाली आ गया। मैं भर के खाना नहीं दे रहे आज कटोरा पतीला। तो चलिए तब तक आप देख लीजिए हमारे गाँव का जो ये मंदिर है, ये हमारे देवी देवताएँ हैं जिन्हें हम पूजते हैं। यहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं जो काफ़ी समय बाद गांव आए हैं, और उन्होंने सोचा कि पूरे गांव वालों को भोजन कराया जाए। तो दिन का भोजन जो है वो उनकी तरफ से है, और यहाँ पे जो पुजाई की तैयारियाँ वो शुरू हो गई है, इसीलिए मंदिर सजा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। जगह ही नहीं बची है, बल एंड नो पॉल्यूशन, इसलिए हम थकरा लेके जा रहे हैं घर से। लोग वीडियो भाई, हमारी भी बना दो। अच्छा तो अब हो चुकी है शाम, और हम सभी लोग आ चुके हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रात्रि का भोज है हमारा सभी गांव वालों का मिलकर। तो महिलाओं का काम है रोटी बनाने का, और जो जेंट्स लोग हैं वो सब सब्जी बना रहे हैं। और बस इसके बाद आप देखते रहना आगे वीडियो में हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारी रोटियां जो है वो इतनी लेट बनी। पर रोटी भी तो बनानी है, पहले वीडियो बनाने तब एक बार रोटी बनानी। आज आज अतिथि संस्कार, अतिथि संस्कार है ना, ठीक है, भोजन बनाना है। हाँ, अतिथि आएंगे बाहर से मेहरमनाथ जी के पूजा के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पर रोटियाँ बन रही है, और इसके बाद बनेंगे यहाँ पे सब्जियाँ जो बना रहे हैं जेंट्स लोग, और लेडीज़ों का काम है रोटी बनाना यहाँ पे। तो ये सब हो चुका है, अतिथि स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है, और रात्रि का भोजन सबके सब साथ मिलकर करेंगे। जितने भी अतिथिगण हैं वो सब पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, बस बस करो, बस करो, हटा दो। चली गई ना बारिश, बड़ा ही गजब का माहौल बना हुआ है। फिर गर्मी हो रही थी और सडनली बारिश हो गई, और ये देखिए अब लग रही है।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे लगा आटे इतने से दिए जाएंगे, अपने परिवार में खुद ही घर में बना रोटी, ऐसे मजा नहीं आएगा। मजा क्या ऐसे नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि मैं उतार लेने का, पूरा भीग गई है नो खड़े थे। तो जैसे यार बारिश आई एकदम से और हम सभी लोग अपना कोई आटा बचा कर भाग रहा, कोई रोटी बचा के भाग रहा, तो मतलब उम्मीद नहीं थी हमें कि बारिश होगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी उस टाइम पे। नाम नहीं ले रही है। भैरवनाथ जी कृपा, भैरवनाथ जी कृपा, जल्दी से जल्दी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली बिल्कुल, और अभी थोड़ा थम चुकी थी और दोबारा आने लगी है। पता नहीं भैरवनाथ जी क्या चाहते हैं, देखते हैं कि अब हमारी ड्यूटी जो है वो कब बनना शुरू होगी। मैजिक हो रहा है, देखो मैजिक हो रहा है। अभी जो चूल्हे में अंगारे बने हुए थे वो तो सब बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं, तो हम तवे में ऊपर ही ऊपर रोटियां सेक रहे हैं। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि तवे पे मतलब रोटियां सेकना, और तो ये आग जो था ना वो यार बहुत ही ज़्यादा मतलब मुंह पे आ रही थी, पैरों पे लग रही थी बहुत जोर की। तो गाइज हंसना मत यार बिल्कुल भी प्लीज़ यार। गाइज ये फेस पे जो एक्सप्रेशन है ना वो रियल है बिल्कुल, और मतलब वीडियो का मैं खुद देख रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं कैसे मुंह बना रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर यार बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी बच्चे एकजुट होकर हनुमान चालीसा गा रहे हैं, तो मैं इनकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ गई और ये बहुत अच्छा लग रहा था। Yeah.
पत्थर 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 उसको यही खिला दिया उसको तो जिनकी आज बारी है बर्तन धोने की, वो लोग नदी में जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, बाय, टेक केयर।